बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या हालचाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम अजीज़ कैटल फार्म हासिलपुर से। आज है 23 दिसंबर 2020 और दिन है बुध का। सुबह से मैं गया हुआ था लुडन मंडी में, बछड़ा मैंने एक लेना था और लेकिन कोई माल इतना अच्छा आया नहीं तो आ गए। काटू माल भी अच्छा नहीं आ रहा मंडियों में, पता नहीं क्या मसला है, शायद कोरोना वायरस की वजह से लोग नहीं निकल रहे। तो चेक करें जी, माशाल्लाह नुकरा बछड़ा है। आज नया मेहमान आया है हमारे फार्म पे, आज इसकी नई एंट्री हुई है और ये है अली भाई का, कतर से। ठीक है, वो पाकिस्तान में आ गए हैं तो ये उनका बछड़ा आया है और हमारी दुआ है कि उनका आना, बछड़े का आना मुबारक हो। अल्लाह ताला इसकी उम्र में भी बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, बाकी जानवरों को भी दे। तो अभी शाम का अरशद भाई और नसीर भाई चारा वगैरह डाल रहे हैं इनको, ये तुड़ी डाल गए हैं। तो ये चेक करेंगे माशाल्लाह, ये है जी 116 नंबर आसम समदानी साहब का, बस बस बस। और ये है जी 69 इब्राहिम भाई कराची से, ये उनका बछड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा प्लाई सेंटर है। कई दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं, कई दोस्त मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, तारक मुझे ये बछड़ा दे दे, मुझे ये बछड़ा। फास्ट सेल नहीं है, हमारा प्लाई सेंटर है। हम 9500 रुपए पर मंथ ले रहे हैं, इसमें वंडा, तोड़ी, साइलेज, लेबर और हमारी मजदूरी भी इसमें शामिल है। 9500 रुपए पर मंथ हम ले रहे हैं, लेकिन हम गाय वगैरह नहीं ले रहे, किसी की भी गाय नहीं ले रहे, ब्रीडिंग के लिए बछड़ियाँ भी नहीं ले रहे, सिर्फ बछड़े या फिर कुर्बानी वाली बछड़ियां हम ले रहे हैं। तो ये है हमारा तरीकाकार इसको, इसका अप्लाई सेंटर का। तो ये बछड़ा चेक करेंगे माशाल्लाह, ये भी इब्राहिम भाई का है और देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त माशाल्लाह, अभी भूखे हैं, इनको कवंडा खंडा भी डालेंगे हम। तो कोई भी दोस्त अगर अपना बछड़ा तैयार करवाना चाहता है तो बहुत ही, मतलब 9500 रुपये पर मंथ, 9500 रुपये पर मंथ में तो आप अपना बछड़ा तैयार करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हम इसको बाद में जब तैयार हो जाएगा भेज भी देंगे। उसके लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं उसके ऊपर और इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी करेंगे। रिप्लाई करने में अगर देर हो जाए तो ज़्यादा, मतलब आप गर्मी सर्दी ना किया करें। मुझे डेली बेस के ऊपर 1000 से ज़्यादा व्हाट्सअप के ऊपर मुझे मैसेज वसूल होते हैं। तो इसके अलावा मुझे कॉलें भी आती हैं मोबाइल के ऊपर, और जो मुझे कॉलें आती हैं उनमें कई कॉल ऐसी होती हैं जिनके ऊपर तकरीबन मेरा घंटा घंटा भी लग जाता है, 30 मिनट नॉर्मल चीज़ है। तो इसके अलावा कुछ मेरे काम भी होते हैं जो मैंने करने होते हैं, तो इस वजह से करके थोड़ा सा फोल्ड करें। अगर एक दफ़ा मैं नहीं भी जवाब दे सका, मुझे दोबारा 2-4 मैसेज कर दें ताकि आपका मैसेज ऊपर ही आ जाए, इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जी बछड़ा चेक करवाएं, डॉक्टर मुश्तबा साहब का है माशाल्लाह, असद साहब हैं और ये बछड़ा नया आया है, ये बछड़ा हमारे पास आज आया है ये आज। और ये है जी जामीन भाई यत्र वाले कराची से। तो इनके 3 बछड़े और आए हैं, वो भी आपको चेक करवाते हैं। तो इसके अलावा जी ये चेक करवाएं जी कस्बा, मुझे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे भी कस्बा नज़र नहीं आ रहा, ये कस्बा भी है। और एक बछड़ा आया है ये, तो ये भी यामीन भाई का है, यामीन भाई यत्र वाले कराची से माशाल्लाह उनका है ये दूसरा बछड़ा। और ये भी है यामीन भाई का, यामीन भाई यत्र वाले, ये भी उनका 3 बछड़े हैं उनके आए, अभी इनको टैग नहीं लगा, इनकी डवर्मिंग रहती है, बाकी जो वैक्सीन वगैरह चल रही है वो भी इनकी होगी। तो इसके अलावा जी इंशाल्लाह कल इन्हें टैग शैग लग जाएगा, इनका जो वेट है वो भी हो जाएगा। तो हमारी दुआ है जी, एक अली भाई का बछड़ा आया है और 3 आए हैं यामीन भाई के, 4 बछड़े आज की डेट में आए हैं, एक बकरा भी आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इनका आना मुबारक हो जी, इनका आना बायस से रहमत हो, अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और बाकी जानवरों को भी दे। तो अभी शाम की फीड का टाइम है जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह जानवर खुश बाश हैं और खाएंगे अभी थोड़ी देर तक। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ सबस चारे वाली साइड पे आ जाओ। ये है जी सबस चारे वाली साइड और ये आ रहा है अभी, इनको शाम को हम साइलेज, तोड़ी और वंडा वगैरह देते हैं। तो चेक करें जी माशाल्लाह बछड़ों को, चेक करें आप, अगर मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सके तो ये देखें जी। नसीर ऐस बच्चे का ना आ जरा ना देखें जी माशाल्लाह मस्तियाँ,
बाकी अभी माशाल्लाह इधर फीड का टाइम है, अभी शाम का टाइम है तो असर हुई है अभी असर की अजान, और इनको अभी डालेंगे मंडा शंडा। तो कई दोस्त सब्ज चारे के हवाले से मुझे पिछले दिनों कराची से कॉल आई, वो 10 जानवर छोड़ना चाहते थे, और इसके अलावा मुझे कई पूरे पाकिस्तान से आए कि हमारे आप इधर छोड़ लें। तो सब्ज चारे के ऊपर हम जानवर नहीं ले रहे, अभी भी नहीं ले रहे, अगले साल से जो हमारी बुकिंग होगी हम जनवरी के लास्ट पे अपनी बुकिंग करेंगे इंशाल्लाह, जब अगला साल या इसी साल सॉरी 2021 की जनवरी आ रही है अभी कुछ दिन के बाद, उसके लास्ट पे या जनवरी के शुरू में हम अपनी बुकिंग करेंगे उन बछड़ों की जो बकरा ईद के बाद हम इस शेड में डालेंगे 2021 की कुर्बानी वाले 22। हम बछड़े उनकी बुकिंग करेंगे जो 2022 की कुर्बानी वाले होंगे, ठीक है। उसके लिए हम 10-15 हज़ार रुपये फ़ी मेंबर से अभी ले लेंगे, वो इस वजह से लेंगे, एक तो हमें पता होगा कि हमारे पास जानवरों की इतनी बुकिंग हो चुकी है, और दूसरे नंबर के ऊपर हम तूड़ी वक्त पे ख़रीद सकेंगे, जो कि आज मुझे बहुत ज़्यादा महंगी तूड़ी भी लेनी पड़ रही है, कब मतलब 9500 रुपये में मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा, बहुत मुश्किल है, मतलब समझ लें कि मुझे बचत नहीं आ रही, जो आ रहा है वो लग रहा है, लेकिन मेरी एक ज़बान है, कमिटमेंट है, मैं उसके ऊपर आऊँगा। मैंने किसी दोस्त से ये रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारे थोड़े हैं पैसे, बहरहाल चला रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। मैं तूड़ी भी ले लूँगा, मैं सैलेज का भी बंदोबस्त कर लूँगा, और बाकी कुछ चीज़ें हैं वो भी करने वाली इंशाल्लाह, वो भी कर लेंगे। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको मड वाली साइड पे जी, माशाल्लाह 2022 के अभी मैं आ गया हूँ 2022 वाले जो हमारे बच्चे हैं उनमें। तो जो भी दोस्त देना चाहे बछड़ा अपना 2022 की प्लाई के लिए, छोटा बच्चा, वो दे सकता है, और छोटे बच्चे का मकसद है 150 किलो वज़न लाइव वेट, 150-160-170 तक, जो इससे बड़ा होता है उसकी इस खाते में फीड पूरी नहीं होती, उसे हम उधर कर देंगे। तो आज अगर मेरा कैमरा मैन आ जाए, आगे आ जाओ, तो ये दिखाएं ज़रा बच्चे, माशाल्लाह जी इनको ये हे डाल गए हैं, और वंडा साइलेज इनको सारा कुछ डाल दीजिए, चेक करवाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, इनको वंडा भी डाल दिया गया है, और इनको हे भी डाल दी है, और इनको वो मड भी डाल दिया, ये मड खाने वाले हैं अशरफ भाई के। तो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं इनके, आप देख सकते हैं चमक जानवरों के ऊपर। और वैसे भी जो दोस्त हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं वो देख रहे हैं इनमें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब मैं फील कर रहा हूँ। इस बछड़ी को देखें, ये बहुत ही कमज़ोर थी जब मेरे पास आई थी, तो अभी इसका माशाल्लाह आप रंग रूप भी चेक करें, और माशाल्लाह इनका वज़न करेंगे एक दो दिन तक तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो ये बच्चे चेक करेंगे माशाल्लाह, आपको एक से एक बढ़ के जो है ना वो देखने को मिलेगा। ये देखें जी, हे खा रहे हैं, कुछ मड खा रहे हैं, कुछ वंडा साइलेज, जो इनके मन में आता है जी वो खा सकते हैं, खा रहे हैं वो। ये देखें जी लूस अल्फा अल्फा की है ये माशाल्लाह जी। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये है जी माशाल्लाह दूसरे जो हमारे साइलेज और वंडे के ऊपर हैं, तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी इंतज़ार में है, अभी इनको तूड़ी डाल के गए हैं, अभी इनको साइलेज और वंडा रहता है बाकी। भाई अर्शद वो जो मड डाले ना उन्हें खुरली की जगह बदलो, थले गिल हुई है ना, एक नु चौके के इधर कर दो तो एक नु परे कर दो, हुने कर दो ना थले गिला होया होया। तो चेक करें जी माशाल्लाह, ये भी अली भाई कतर से, उनका है ये नन्ना मेहमान, अब इसके वजूद में भी काफ़ी फ़र्क आया है। और ये देखें जी, ये भी है अली भाई का, और ये चेक करें जी, अभी हैं ये भूखे, मतलब इंतज़ार में हैं राशन के, तू भी लेके आए? हाँ जी ठीक है। नसीर कितने है? उन्होंने ना बुला के यार पहले जगह चेंज करो, तुम आप ही कर देनी सी ना, जगह थले गिल हुई है, हवा फैल जाएगी जगह सुबह। तो चेक करें जी माशाल्लाह, आपने बताना है जानवर कैसे हैं, और देखें माशाल्लाह जी, ये है जी असलम शेख साहब का बछड़ा, आ काला बच्चा तो जरा वा बच्चा आया, इन्होंने उधर कर दो, लै जो हूँ ना दूजे बन्ने हो या कुछ नहीं होंगे, इन्होंने भी बन दो है। हाँ तो ये चेक करें जी माशाल्लाह, शहजा नसीम राय साहब की है गाय, और ये नुकरी बछड़ी है, क्या नाम है, असलम शेख साहब, और ये बछड़ा भी उनका है जी माशाल्लाह, ये गाय भी उनकी है ये वाली। तो जी सारे दोस्तों से दुआओं की भरपूर दरख्वास्त है,
अपनी दुआओं में हमें याद रखें और हमारे जितने भी दोस्त हैं हमारे फार्म में हिस्सेदार हैं उनके लिए भी दुआएं करें, और जो हमारे ऑलरेडी दोस्त हैं इनके हमारे बिजनेस पार्टनर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में याद रखें। काम सारे दुआओं से होते हैं, तो हमारे बस में तो जो है वो हम कर रहे हैं। बहुत ही मतलब खिदमत है हमारी, आप ये कह सकते हैं खिदमत। 200 मतलब हम जो 9500 रुपये में हम मैनेज कर रहे हैं तो ये एक बड़ी टफ जॉब है माशाल्लाह, उसके रिजल्ट भी आपके सामने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं इससे, तो जानवर छोटे भी आपके सामने हैं। जो दोस्त पलाई के लिए छोटा जानवर अपना भेजना चाहे वो भेज सकता है, जो छोटा हो, जो मैंने पहले भी बताया। इनके जो हम चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6200 रुपये पर मंथ छोटे बछड़े के। अगर 170 केजी से ऊपर होगा उसका मीट वेट लाइव वेट सॉरी, तो फिर उसका वो ही लगेगा 9500। तो ये है जी तरीकाकार। मज़ीद अगर कोई दोस्त डिटेल लेना चाहे तो वो हमारा व्हाट्सअप आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसके ऊपर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।